बैंगलीज जो है वो बच्चों को फीड कराना छोड़ देती है और बच्चों के पोट खाली होते हैं और बैंगलीज बाहर बैठी होती है। बैंगलीज का एक प्रॉब्लम क्या है कि बैंगलीज जब मोल्ड पे आती है ना उसका पता नहीं चलता। तो बैंगलीज उन दिनों मोल्ड पे होती है जब वो बच्चे को फीड कराना छोड़ देती है। जब बर्ड मोल्ड पे होता है तो वो इतना स्ट्रेस में होता है कि वो बैंगलीज को आप जब फील करेंगे ना क्या हो रहा है बैंगलीज के साथ, बैंगलीज क्या करेगी, बच्चे पड़े होंगे बॉक्स के अंदर, बैंगलीज उठ के बाहर बैठी होगी। अच्छा उसका तरीकाकार, उसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको बता दूँ मैं क्या करता हूँ। मैंने क्या किया होता कि मेरे पास एक, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों मुझे ना काफ़ी लोगों के SMS भी आए और कमेंट में भी, कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा है कि लोगों ने कहा कि अप्रैल मई में उनकी ब्रीड बड़ी अच्छी आ रही होती है, शुरू से सितंबर से स्टार्ट हो रहा होता है सीज़न ये, तो जब सितंबर से स्टार्ट होता है तो वो गोल्डन के एग उठा के बैंगलीज को फोस्टर कर रहे होते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरी तरह बड़ी अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, उन्होंने 10 गोल्डन के पेयर और कम से कम 30-40 पेयर बैंगलीज के लगाए हुए हैं और उनके मैसेज आए मुझे और उन्होंने कहा कि आज अप्रैल और मई में बैंगलीज जो है वो बच्चों को फीड कराना छोड़ देती है और बच्चों के पोट खाली होते हैं और बैंगलीज बाहर बैठी होती है, तो ये क्या रीज़न है। अच्छा ये रीज़न बेसिकली बिल्कुल है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने गौर किया, इनको देखा। बैंगलीज का एक प्रॉब्लम क्या है कि बैंगलीज जब मोल्ड पे आती है ना उसका पता नहीं चलता। गोल्डन जब मोल्ड पे आती है इसके पिन्ने निकलना शुरू हो जाती हैं, इनके वाइट वाइट स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं, स्किन पूरी इनकी रफ स्किन हो जाती है, जैसे आपको फील होता है कि यार ये मोल्ड पे है। तो बैंगलीज जो है इसका मोल्ड का पता नहीं चलता। तो बैंगलीज भी इस सीज़न में जब बदलता मौसम होता है, जब आपका सर्दियां से गर्मियां आ रही होंगी, बदलता मौसम है, तब बर्ड आपका मोल्ड पे जाएगा। और कुछ बर्ड मोल्ड पे नहीं जाते क्योंकि उन्होंने रिसेंटली मोल्ड क्लियर किया था, वो मोल्ड पे नहीं जाते, लेकिन मोस्टली बर्ड आपके मोल्ड पे चले जाते हैं। तो इसी तरह जब सर्दियां से गर्मियां आ रही होती हैं इन दोनों अप्रैल और मई के दरमियान में, तो तब भी बर्ड आपका मोल्ड पे, अक्सर आपके बर्ड मोल्ड पे होते हैं। तो आपका गोल्डन का तो मोल्ड नज़र आ रहा होता है, बैंगलीज का मोल्ड किसी को पता नहीं चलता। तो बैंगलीज उन दिनों मोल्ड पे होती है जब वो बच्चे को फीड कराना छोड़ देती है। जब बर्ड मोल्ड पे होता है तो वो इतना स्ट्रेस में होता है कि वो बैंगलीज को आप जब फील करेंगे ना क्या हो रहा है बैंगलीज के साथ, बैंगलीज क्या करेगी, बच्चे पड़े होंगे बॉक्स के अंदर, बैंगलीज उठ के बाहर बैठी होगी, वो अपने ध्यान में होगी, वो अपने पर खुजा रही होगी, मोल्ड से डिस्टर्ब होगी, तो वो उसका उसकी तवज्जो भी बच्चों में नहीं रहती, तो ये वजह होती है। अच्छा उसका तरीकाकार, उसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको बता दूँ मैं क्या करता हूँ। मैंने क्या किया होता कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है बैंगलीज की वो पीछे तैयार हो रही होती है, वो नए ब्रीडर जो नए पठे तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब नए बर्ड जो होते हैं वो उन्होंने मोल्ड रिसेंटली क्लियर किया होता है तो वो अगले 3-4 माह तक उन्होंने मोल्ड पर नहीं आना होता, क्योंकि मुझे पता कि अभी तो ये जवान हुए हैं, इन्होंने मोल्ड क्लियर कर लिया है और ये ब्रीड के काबिल हो गए हैं। तो मैं ये सेंस करना पड़ेगा, ये आप लोगों को सेंस करना पड़ेगा कि ऐसे बर्ड को फिर आप रेस्ट पे ले जाएं और उसकी जगह आप दूसरे दूसरा ट्रायो छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने ट्रायो लगाया हुआ है तो ट्रायो को रेस्ट पे ले जाएं और उसी जगह दूसरा ट्रायो छोड़ दें। लेकिन अगर आपने अंडे दिए हुए हैं तब आप ये काम नहीं करेंगे। हाँ अब आपका एक क्लच कम्प्लीट हो गया है, बच्चे आपके आपने सेपरेट कर दिए हैं और आप क्यों फीलिंग आ रही है कि यार ये इसने 3-4 क्लच तो बड़े अच्छे पाल ली हैं और अब ये मोल्ड पे आ सकती है, तो आप उसको फिर ट्रायो को रेस्ट पे ले जाएं। 3-4 क्लच बहुत होते हैं, 2-3 क्लच बहुत होते हैं उसमें पालनी है, अब वो आपको फीलिंग आ रही है कि यार ये मोल्ड पे आ जाएगी, तो आप उसको रेस्ट पे ले जाएं और आपके पास जो फ्रेश पेयर होगा वो ट्रायो आप इसमें लगा दें, फिर आप उस गोल्डन के अंडे दें, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने भी ऐसा सोल्यूशन निकाला, यही मैंने भी हल निकाला, तो मैंने कहा अपने दोस्तों को व्यूवर्स को ये वीडियो के ज़रिए बताया जाए कि इसका हल ये है। जो जिन लोगों ने मुझसे ये शिकायत की थी कि ये वजह क्यों बन रही है, तो वो वजह ये बन रही है, मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि अप्रैल मई में बच्चे बैंगलीज पालना क्यों छोड़ देती है। तो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।